यूपीएसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। झांसी में असद के साथ शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया है। प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी के दौरान जब उसको असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो कोर्ट में ही रो दिया। पुलिस की वारंट बी इसके लेके टीम दो महत्वपूर्ण जगहों पे गई थी तथा साबरमती तथा बरेली से, जो इसमें दो साजिशकर्ता नामजद थे एफआईआर में, उनको लाया गया था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो दो अभियुक्त जिनको आपराधिक कृत करते हुए सबने देखा है मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वाल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है।